हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंडस्ट्री ऑटोमेशन। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वीडियो का, वो है ऑयल बर्नर कंट्रोल के ऊपर। तो ये मेरे पास कंट्रोलर है, सीक्वेंस कंट्रोलर बोलते हैं इसको। तो ये कहाँ पर यूज़ होता है, मैं आपके इसको पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये डीजल बॉयलर जो होते हैं हमारे, छोटे बॉयलर जो होते हैं, डीजल फायर वाले बॉयलर जो होते हैं, उनमें यूज़ किया जाता है। इसी के थ्रू हमारा सारा सीक्वेंस चलता है, चाहे वो फ़ैन का हो, चाहे वो नोज़ल का हो, चाहे इसमें चार पांच इनपुट्स आती हैं। तो फ्रेंड्स, ये अलग अलग मेक कंपनियों के भी आते हैं। जैसे मेरे पास जो फ़िलहाल है वो सीमेंस मेक का है, इसमें ऑक्सीमोन का भी आता है, हनीवेल का भी आता है। तो इसमें कई कंपनियों के हमारे सीक्वेंस कंट्रोलर आते हैं। ये तो जो हमारा ये ऑयल बर्नर कंट्रोलर है फ्रेंड्स, जो मेरे पास है इस टाइम, तो इसका मॉडल नंबर देख लेते हैं। तो सीमेंस मेक हमने देख ही लिया, इसका मॉडल नंबर ये है LOA24.171B27। तो ये फ्रेंड्स इसका मॉडल नंबर है। ये फ्रेंड मेड इन जर्मनी है। तो इसमें ये देख लेते हैं, 220-240 की वोल्टेज है, ये इनपुट है। और ये वाला जो बटन है फ्रेंड्स, इसमें देखिए काफ़ी बड़ा ये बटन दिया हुआ है। ये हमारा रीसेट का बटन है, इसमें अगर कोई अलार्म आता है, फॉल्ट आता है, तो रेड इंडिकेशन दे जाता है और उसको हम रीसेट कर रहे हैं। इसको प्रेस ऐसे करेंगे तो दोबारा सीक्वेंस हमारा चालू हो जाता है, इसमें स्टार्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसे इसमें कंट्रोलर को मैं खोल के दिखाता हूँ, इसके अंदर ड्राइंग भी दी हुई है किस किस हिसाब से ये सीक्वेंस चलेगा। तो इसको ओपन कर देते हैं, मैंने फ़िलहाल ये यहाँ से ओपन किया हुआ है। तो ये इसका बेस हो गया, टर्मिनल बेस, जहाँ पे हमने कनेक्शन करने हैं। ये इसका टर्मिनल बेस हो गया, ये मेन कंट्रोलर है हमारा। इस तरीके से मैंने खोला था, दोबारा देख सकते हैं आप। ये देखिए, इसको बेस को मैं अलग रख देता हूँ और ये हमारी ड्राइंग दी हुई है इसमें, मैं इसको सीधा करके दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए इसमें 1 से लेके 12 तक टर्मिनल हैं, ये हमारे 12 टर्मिनल हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमने देख लिए टर्मिनल इसके, तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो बाहर से फ्रेंड जो हमारी सप्लाई आएगी, ये देखिए इसमें फ्यूज़ दिखा रखा है, किसी फ्यूज़ के थ्रू हम सप्लाई ले लेंगे। उसके बाद हमारी दो सेफ्टियाँ दे रखी हैं, अगर आपको टेम्परेचर की कोई सेफ्टी ले सकती हैं तो टेम्परेचर ले सकते हैं, और प्रेशर स्विच की कोई सेफ्टी लेनी है तो प्रेशर स्विच की भी ले सकते हैं। तो इसमें ये सेफ्टियाँ लेके, मान लीजिए हमने स्टीम प्रेशर की हमारी सेफ्टी लेनी है प्रेशर स्विच की, तो प्रेशर स्विच के हिसाब से हमारा जितना प्रेशर हो गया है, उस प्रेशर को बाद ये हमारी सप्लाई एक नंबर पर ना जाए, कट हो जाए। एक नंबर पर नहीं जाएगी तो हमारा कोई भी सिक्वेंस नहीं चलेगा। एक नंबर हमारी पहली सप्लाई है, लाइन है, तो इसी से हमारा आगे अगर सीक्वेंस चलेगा। तो हमारा अगर प्रेशर अगर पूरा नहीं हुआ है तो सप्लाई इसमें हेल्दी रहेगी और एक नंबर पे आएगी। जैसे ही हमारा प्रेशर पूरा हो जाएगा, हमारा स्टीम का प्रेशर, तो ये जो ये हमारा NO है, ये NC हो जाएगा और हमारा ये कट जाएगा। तो एक नंबर में जैसे ही सप्लाई आएगी, आगे देख लेते हैं, एक नंबर में सप्लाई आने के बाद दो नंबर में हमें न्यूट्रल देनी पड़ेगी। ये देखिए लाइन और न्यूट्रल, एक नंबर और दो नंबर है। ये देखिए एक नंबर और लाइन, ये देखिए न्यूट्रल, दो नंबर, ये देखिए। तो इसके बाद आगे चलते हैं फ्रेंड, नौ नंबर पिन हमारी ब्लैंक है, खाली है, ये देखिए ब्लैंक है, कोई इसमें टर्मिनल नहीं है। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे देख लेंगे फ्रेंड्स, ये हमारा जो सर्किट है, ये ऑयल हीटर का है। जो हमारा ऑयल है, डीजल है, उसको पहले हीटर को गर्म करते हैं और उस हीटर में जो हमारी रिले लगी हुई है, तो डीजल और फर्नेस ऑयल होता है, जैसे फर्नेस ऑयल को हम गमे में हीट करना पड़ता है, जिससे एफिशिएंसी अच्छी मिलती है, गर्म हो जाता है तो जल्दी हमारा इसमें बर्न होता है। तो फर्नेस ऑयल हो या डीजल हो, उसके लिए हीटर लगा है, ये एक्सटर्नल लगा है फ्रेंड्स, बाहर की तरफ है ये, तो ये इंटरनल सर्किट नहीं है इसके, ये एक्सटर्नल सर्किट है पूरे का पूरा। तो उसमें जो हीटर है हमारा, उसके हम रिले से कॉन्टैक्ट से हम सप्लाई तीन नंबर में लेंगे। देखिए 8 नंबर से हमारा यहाँ से सप्लाई गई और उस रिले के थ्रू, ये कॉन्टैक्ट के थ्रू हमारी 3 नंबर में आई। जब हमारा ये हीटर में जितना सेट पॉइंट होगा, उतना इसमें हील ऑयल जो है टेम्परेचर आने के बाद जो हमारा कॉन्टैक्ट मिलेगा, वो 3 नंबर में मिलेगा। तो 3 नंबर पे जैसे ही हमारा कॉन्टैक्ट मिलेगा, हेल्दी का मिलेगा हीटर का, उसके बाद हमारा क्या होगा, ये देखिए 3 नंबर। तो फ्रेंड्स, एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये जो 8 नंबर और 3 नंबर है, हमारे पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट है। तो इसमें क्या है फ्रेंड, जो हमारा हीटर का जो ऑन हो जाएगा, तो हमारा जो 8 नंबर से गया है हमारी सप्लाई, तो फ्रेंड जैसे ही हमारी सप्लाई 3 नंबर में आएगी, तो हमारी ये कमांड जो है 3 नंबर से मोटर को भी चली जाएगी। ये हमारा एक FD फैन लगा हुआ है, जो एयर के लिए, जो हमारी बर्निंग के लिए, तो FD फैन में एयर आ जाएगी, तो FD फैन हमारा मोटर जो है स्टार्ट हो जाएगी।
तो आगे चलते हैं। इसके साथ सप्लाई हमारी 6 नंबर पिन में आएगी। 6 नंबर पिन में सप्लाई हमारी 6 नंबर से जो निकलेगी सप्लाई वो इग्निशन ट्रांसफार्मर में आएगी। इग्निशन ट्रांसफार्मर हमारा ये लगा है यहाँ पर फील्ड में, तो इग्निशन ट्रांसफार्मर में जैसी सप्लाई आएगी। ये किस लिए फ्रेंड, ये हमारी जो इसमें नोज़ल लगी हैं, 2 सोलनॉइड वाल्व लगी हैं ये देखिए, और उसके सोलनॉइड के आउट में हमारा जहाँ से फायर होगा ऑयल निकलेगा उसको स्टार्टिंगली बर्न करने के लिए, आग को लगाने के लिए, जैसे हमारा लाइटर का जो काम करता है, माचिस का काम करता है ये हमारा, उस तरीके से वोल्टेज हाई वोल्टेज का होता है, इसमें करंट कम होता है, वोल्टेज हाई होती है, तो उसको हमारा बर्न करने के लिए स्टार्टिंग के लिए ये हमारा ट्रांसफार्मर लगा है। तो 6 नंबर के बाद 7 नंबर के बाद हमारा 4 नंबर में आएगी, 4 नंबर से निकलेगी सप्लाई। 4 नंबर में जो सप्लाई निकलेगी हमारी सोलनॉइड वाल, इसमें 2 नोजल लगी हैं, एक वाल ये देखिए सोलनॉइड 1 और सोलनॉइड 2, तो पहली वाली सोलनॉइड को सप्लाई जाएगी। तो ये जो हमारा सोलनॉइड ऑन होगा तो हमारी इससे स्प्रे होगा, ऑयल स्प्रे होगा, ऐसे ही अगला भी होगा। 5 नंबर में सप्लाई जाएगी तो 2 नंबर वाला जो इसमें स्प्रे होगा, ये सोलनॉइड ऑन होगी तो ये वाली नोजल ऑन हो जाएगी। उसके बाद हमारी जो है 10 नंबर में जाएगी, फिर 11 नंबर में जाएगी। तो 11 नंबर जो है फ्रेंड्स हमारा LDR लगा हुआ है, यहाँ पर सेंसर लगा हुआ है, एक लाइट डिपेंडेंस रेजिस्टेंस है तो उस पर काम करता है ये। जैसे हमारा फ्लेम अंदर बॉयलर के अंदर फ्लेम बनेगी तो ये वाला जो हमारा सेंसर है ये हमारा फीडबैक देगा 12 नंबर में। तो जैसे ही हमें 12 नंबर में फीडबैक मिलेगी इसकी कि हाँ हमारा बर्निंग अच्छी हो रही है, तो ये सिक्वेंस दोबारा स्टार्ट हो जाएगा, तो ये सिक्वेंस हमारा चलता रहेगा। जैसे ही हमारी फ्लेम जो है बंद होगी किसी वजह से तो हमारा सीक्वेंस को बंद कर देगा, हमारा आगे फ्यूल जाना बंद हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमारी सेफ्टी भी है हमारा, नहीं तो वेस्टेज ऑयल जाएगा और इसमें ख़तरा भी है आग लगने का, तो उसमें भरा नहीं रहेगा मतलब, तो ये हमारे फ्लेम इसमें रहेगी, हेल्दी रहेगी, तो सीक्वेंस हमारा ये ऑन रहेगा। तो इस तरीके से हमारा सीक्वेंस है, एक बार रिपीट कर रहा हूँ सीक्वेंस कैसे सीक्वेंस होगा। जैसे हमारा जो ऑयल हीटर है, ऑयल हीटर में तेल गर्म होगा उसका कॉन्टैक्ट बनेगा तो 3 नंबर से हमारा पंप में ये FD फैन चल जाएगा, मोटर रन हो जाएगी, और इसके फैन मोटर ऑन होने के बाद हमारी सप्लाई जो है 6 नंबर से निकलेगी। इग्निशन ट्रांसफार्मर है, इसमें सप्लाई आएगी, और देखिए इसमें सप्लाई यहाँ से स्टार्ट होगी आनी, ये जो हमारा वाइट दिया हुआ है और यहाँ ब्लैंक दिया हुआ है छोटा सा, ये हमारा देखिए पूरा वाइट है और यहाँ पे ये ब्लैंक आ गया, तो इतना वाइट है यानी कि इतने टाइम तक इसमें इग्निशन ट्रांसफार्मर में सप्लाई रहेगी। तो इसके यहाँ से सप्लाई ऑन होती है, देखिए यहाँ ब्लैंक है, इसके बाद हमारे 1 नंबर वाल्व ओपन होगी, इतने टाइम के बाद इतना ब्लैंक है, इतने टाइम के बाद हमारी 4 नंबर से आउटपुट निकलेगी वाल्व को, यहाँ से हमारा टाइमिंग ऑन हो जाएगी वाल्व 1 को ऑपरेट करने की। और जैसे ही इसमें वाल्व 1 ऑपरेट होगा तो इसके साथ साथ देखिए यहाँ भी दिया हुआ है, वाल्व 1 ऑपरेट होते ही हमारा फ्लेम बर्न हो जाएगी, फ्लेम बर्न होते ही हमारा LDR ओपन हो जाए, देखिए सॉरी फ्रेंड्स अभी लाइट इसमें होगी थोड़ा रिमूव होगी। तो जैसे ही हमारा ये LDR ऑन होगा इस देखिए इसका टाइमिंग यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ तक रहेगा, जैसे ही LDR रहेगा तो इसकी फीडबैक मिलेगी, तो हमारा 2 नंबर नोजल भी देखिए इसका टाइम लेट है स्टार्ट होने का, तो 2 नंबर वाला वाल्व भी हमारा ऑन हो जाएगा, तो उसमें ज़्यादा फ्लेम और ज़्यादा फ्लेम मिलेगी। तो इस तरीके से ये सिक्वेंस चलता है फ्रेंड्स। इसमें अगर वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा फ्रेंड्स इसकी वायरिंग करके आपको ऑपरेशन इसका दिखाऊँ किस तरीके से इसका सिक्वेंस काम कर रहा है।